गुड मॉर्निंग गर्ल, कैसे हो सब? मुझे पता है आप लोग बहुत मस्ती घर पे कर रहे हो, ऐसा ही है कि नहीं? क्योंकि क्लास में ही ऐसी इतनी मस्ती करते हो तो फिर घर पे तो बहुत सारी मस्ती करते होगे। इसीलिए हमारे बेंजामिन स्कूल में वो हमने एक वीडियो थ्रू पढ़ाने का स्टार्ट किया है। तो वैसे तो आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो ही गई है, लेकिन आज हम इंग्लिश 2 का रिविजन करेंगे, ठीक है? इसीलिए हम पहले सीखेंगे, पहले तो हम लेटर राइटिंग सीखते हैं, क्योंकि लेटर राइटिंग हमारा हुआ नहीं है। तो पहले हम लेटर राइटिंग सीखेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? अब लेटर राइटिंग, हम लेटर्स क्यों लिखते हैं? वाई वी राइट लेटर्स? टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग फॉर समवन, ठीक है? फिर वो कुछ भी हो, या तो फिर हमें गिफ्ट किसी ने भेजा हो उसके बारे में हो, या फिर कोई हमें हमें स्कूल में छुट्टी चाहिए इसीलिए लेटर लिखना हो, या फिर कोई एग्जाम में पास हुआ उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लिखना हो, वो सारी चीज़ें लेटर राइटिंग में आते हैं। फिर उसमें भी दो पार्ट्स है, फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, ठीक है? ऑल द लेटर्स वी राइट मस्ट हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। वो कौन से पार्ट्स है? सेंडर्स एड्रेस, डेट, ग्रीटिंग्स, बॉडी ऑफ द लेटर एंड सेंडर्स नेम। ये सारी चीज़ें हमें लेटर्स में लिखनी है ताकि पता चले कि किसने भेजा है, किसने लिखा है, किसको लिखा है, किस लिए लिखा है लेटर, ठीक है? और किस दिन लिखा है लेटर। देखो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। नीरव रॉट द फॉलोइंग लेटर टू हिज फ्रेंड आकाश टू थैंक हिम फॉर द गिफ्ट ही सेंट, ठीक है? अभी नीरव आकाश को एक लेटर लिख रहा है, किस लिए? उसने आकाश ने जो अपने फ्रेंड नीरव के लिए जो बर्थडे प्रेजेंट भेजी थी उस वजह से, ठीक है? देखो अभी पहले तो हम पार्ट्स देखते हैं कि इस लेटर में जो जो पार्ट्स चाहिए ये पांचों पार्ट्स है कि नहीं, ठीक है? फर्स्ट देखो यहाँ पे एड्रेस है, ये होगा सेंडर्स एड्रेस। फिर ये हो गई हमारी डेट, ये रहा हमें ग्रीटिंग्स। फिर ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। और ये हो गया सेंडर्स नेम, ठीक है? देखो सारे पार्ट्स इंक्लूडेड है ना। अभी हम देखते हैं कि लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है? फर्स्ट एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस यानी 13 डीलक्स सोसाइटी वडोदरा। डेट 2 मई 2020। डियर आकाश, थैंक यू फॉर योर गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, यानी नीरव नीरव की बर्थडे के लिए आकाश ने गिफ्ट भेजी थी इसीलिए लिखा है। थैंक यू फॉर योर गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, वी मिस्ड यू एट द पार्टी, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स केम एंड वी हैड अ लवली टाइम, आई विश यू वेल विथ अस, ठीक है? इतना लिखा है, योर्स ट्रूली नीरव। ये ऐसा लेटर लिखते हैं, ठीक है? अभी हम एक सैंपल लेटर यहाँ पे दिखते हैं, उसमें क्या है? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड को लिखना है, किस लिए? कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन हीज और हर विनिंग अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अभी वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया होगा उसके उसने तो वो पास हो गई और जीत भी गई सिंगिंग कॉम्पिटिशन, इसीलिए ये लेटर लिखना है, ठीक है? देखो इसमें भी हमें सबसे पहले कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी। सेम वे सेंडर्स एड्रेस यानी आपका एड्रेस, डेट कौन सी डेट को आप लिख रहे हैं वो, ग्रीटिंग्स यानी डियर आकाश, अभी आप आकाश की जगह पे आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड का नाम लिखेंगे जिसने सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीती है। फिर उसमें यहाँ पे बॉडी पार्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर विक्ट्री इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, मे यू
कंटिन्यू टू गेट सक्सेस इन द फ्यूचर, माई बेस्ट विशेस आर विथ यू। इतना लिख सकते हैं या उससे कम लिख सकते हैं, उससे बड़ा भी लिख सकते हो, लेकिन वो मेन पार्ट क्या, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन विनिंग अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन, जिस बारे में हम लेटर लिख रहे हैं उसी बारे में हमें बात करनी है, और फिर लास्ट में क्या आएगा, योर्स ट्रूली, फिर आपका नाम। ठीक है, अभी आप लेटर राइटिंग लिखना लिखिए।